हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल की ओर से ट्रेड टेक्नीशियन और डिग्री अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 सितंबर 2023 तक भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास ITI डिग्री डिप्लोमा जिसमें BA, BCom और BBA शामिल है, ये योग्यता है, वो इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर सकता है। दोस्तों, भर्ती में तो काफ़ी अच्छी स्लॉट्स हैं वो निकाले गए हैं, जिनमें इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट है अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको समय पर ही सारी अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं IOCL के नोटिफिकेशन पर और जानते हैं सारी डिटेल्स और इसकी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डिवीजन चेन्नई के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन से, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन अकाउंट एक्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 IOCL साउथर्न रीजन, यानी साउथर्न रीजन में ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कौन कौन सी जगह शामिल है आप देख सकते हो, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए वैकेंसीज निकाली गई। सबसे पहले अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोविजनल नंबर ऑफ सीट और अप्रेंटिस कैटेगरी की जो रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे दी हुई, तो अपन बात करें सबसे पहले स्टेट दिया हुआ है, फिर डिसिप्लिन दिया हुआ है, फिर पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया हुआ है, फिर टोटल सीट दी हुई है, फिर आगे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया। सबसे पहले तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के टोटल 30 पद दिए हुए हैं, जिनकी ट्रेनिंग है वो 12 महीने की होगी। फिर कर्नाटका की अपन बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी 30 पोस्ट दी हुई है, यानी जितने भी। उसके बाद में आगे आते हैं केरला, तो केरला में 30 सीट दी हुई, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट शामिल है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 30 स्लॉट दिए, तेलंगाना में 30 स्लॉट दिए, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 पद दिए हैं। फिर कर्नाटका में अपन बात करें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 20 पद दिए हैं। फिर नीचे केरला की अपन बात करें तो यहाँ पे भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 पद दिए हैं। फिर आंध्र प्रदेश की अपन बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 20 पद दिए। ये टेक्नीशियन के पद नीचे आ रहे हैं, पहले जो आए थे वो अपने ट्रेड अप्रेंटिसज के पद थे, अभी ये ट्रेड अप्रेंटिसज के पद चल रहे हैं। फिर तेलंगाना में अपन टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 20 पद दिए। फिर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अपना ग्रेजुएट अप्रेंटिस या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो टोटल तमिलनाडु में 90 पद है, कर्नाटका में 40 पद है, केरला में 30 पद है, आंध्र प्रदेश में 30 है, वो तेलंगाना में 40 है। इस प्रकार से और जो इनकी एक साल की जो ट्रेनिंग अवधि होगी, एक साल की ट्रेनिंग अवधि रखी गई, इसमें टोटल 490 पद रखे गए, जिसमें आप देख सकते हो अनरिजर्व के 226 पद है, EWS के 49 है, ST के 72 हैं, OBC के 15 है और PWBD पर्सन्स के यहाँ पे 9 पद रखे गए, सॉरी OBC के 128 हैं और उसके बाद PWBD के 9 पद यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद है नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप देखो जो जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो रिलेटेड फील्ड है उसमें ITI का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, इसके साथ ही 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है, जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज NCVT SCVT से एफिलिएटेड होने चाहिए, वो भी रेगुलर मोड में होनी जरूरी है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो टेक्नीशियन की अपन बात करें तो टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है, रिलेटेड फील्ड मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जनरल EWS एंड OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए और 45% वो ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन कोटा यहाँ पर रखा गया है। फिर इसी प्रकार से जो टेक्नीशियन के जितने भी पद हैं उनमें 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर
रखा गया। फिर अपन नीचे चलते हैं, 50% मार्क्स और 45% SC ST के लिए। उसके बाद में अपन अकाउंट्स की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस, इसमें अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें BBA, BA, BCOM, BSc की योग्यता होनी जरूरी, रेगुलर मोड में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, जनरल AWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 45% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए होना जरूरी है। अब यहाँ जो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना जरूरी है रिलेटेड डिसिप्लिन में, जिन्होंने डिस्टेंस से पार्ट टाइम या कोरस्पॉन्डेंस से योग्यता हासिल किया वो इसमें अपना आवेदन पत्र फिलअप नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स को CGPA या OGPA ग्रेडिंग सिस्टम रहा है उनको जो मार्क्स कन्वर्सेशन है सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी होगा। और ये जो ट्रेनिंग होगी पूर्ण रूप से 1 साल के लिए होगी, उसके बाद में इसकी ट्रेनिंग है वो खत्म कर दी जाएगी, कोई भी इसकी ऑब्लिगेशंस नहीं रहेगी परमानेंट रोजगार प्रदान करने की। तो आपको योग्यता समझ में आ गई होगी, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 2 साल की ITI प्लस 10th क्लास पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 3 साल का रेगुलर मोड में डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स और 45% मार्क्स के साथ, और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उनके पास BA, BCOM, BSc जो BBA की योग्यता होनी चाहिए वो भी 50% और 45% मार्क्स के साथ। अब जिन कैंडिडेट्स के पास में MBA, MCA, CA, ICA, LLB की योग्यता है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट की एज की अपन बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष होनी जरूरी, 31/8/2023 के अनुसार इनकी काउंटिंग की। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी, जो PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो कैंडिडेट जो का सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के और जो मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन टेस्ट और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो फुलफिल करने के ऊपर ही होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखते हो ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस जिसपे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस शामिल है जिनकी योग्यता BBA, BA, BCOM, BSc उन्हें जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का ज्ञान होना जरूरी है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आएंगे। अब जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें मिनिमम 40% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, जिसमें SC ST PWD कैंडिडेट को 5% की छूट प्रदान की जाएगी। और कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना जरूरी है, इसके लिए उन्हें मेडिकली फिट का होने का जो प्रमाण पत्र है वो पेश करना होगा। SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो कैंडिडेट्स जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के वो 10 सितंबर 2023 रखी गई है, 11:55 तक है कैंडिडेट अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकते हैं। कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो जो अपना पोर्टल है ट्रेड अप्रेंटिस है जिसमें apprenticeindia.org पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उन्हें mhrdnets.gov.in के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और जो ट्रेड अप्रेंटिस है जिसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैंडिडेट्स को जो नॉन इंजीनियरिंग है उनको एनरोलमेंट ID है आफ्टर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट्स लॉगिन ID जनरेटेड बाई IOCL, इनकी जो ID है वो IOCL के द्वारा जनरेट की जाएगी। तो जो नॉन इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट है उन्हें IOCL पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को इन पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैंडिडेट्स को जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म हो 2 सितंबर 2023 तक जो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इस पे कैंडिडेट्स के पास जो लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है IOCL की वेबसाइट पे जाके, उसके बाद में अपना फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट को लगातार वो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले IOCL.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद में IOCL4U के ऊपर जाना है, उसके बाद कैरियर सेक्शन पे जाना है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप का एक टैब देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन और वहीं पर आप क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो 25 अगस्त से 10 बजे से भरना शुरू होगा, और जो कैंडिडेट है वो ओनली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब
जिन कैंडिडेट का प्रोविजनल सिलेक्शन होगा उन्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे कैंडिडेट को अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और जो मूल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने जरूरी है। कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है, जो कि एटलीस्ट एक साल तक फ्यूचर में वो ऑन रखेंगे, क्योंकि सारे इंटीमेशन वो इसी के थ्रू आपको दिया जाएगा। आप कैंडिडेट हैं उनके पास स्कैन कॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स रेडी इन पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक पीडीएफ फाइल बनानी है कैंडिडेट्स को, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, 10th या SSL मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बाई कंसर्न एजुकेशन बोर्ड एज प्रूफ ऑफ DOB मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग HSC ग्रेजुएशन एप्लीकेशन। कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक और फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, पैन कार्ड सिग्नेचर इन ब्लैंक इंक और रेसिडेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए फिलअप करने हैं। कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको केयरफुली रीड करना है। जो रीड कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो 31/8/2023 को रखी गई। अब अदर जो रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैंडिडेट टू रजिस्टर देम सेल्फ एज अप्रेंटिस विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अगेंस्ट विच दे आर अप्लाइंग, यू नीड टू रजिस्टर एट अप्रेंटिस रजिस्टर। कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैंडिडेट्स के पास पैन कार्ड होना चाहिए, कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड होना चाहिए, कैंडिडेट के पास बैंक अकाउंट और चेकबुक होनी जरूरी है जिस पे उसका नाम छपा। अब कैंडिडेट्स अप्लाई है वो 25 अगस्त 2023 को 10 बजे से लेकर 10 सितंबर 2023 तक इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है www.iucl.com/apprenticeship। ओनली ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में ही एप्लीकेशन आपसे लिए जाएंगे। अब फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जिन कैंडिडेट को ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के बाद 10th की मार्कशीट, SSC मेट्रिकुलेशन मार्कशीट इशूड बाई कंसर्न एजुकेशन बोर्ड एज प्रूफ ऑफ DOB, नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ DOB, यानी DOB के 10th क्लास की है उसके समकक्ष जो मार्कशीट है वहीं पेश करनी होगी। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वहीं आपको इसमें पेश करना होगा। जो OBC नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है वो 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट हैज परस्यूड थ्रू ऑनलाइन मोड एंड द ईयर ऑफ पासिंग, जो आपका सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन रेगुलर मोड का होना जरूरी। सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट आपको पेश करनी है ITI NCVT HSC ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग और जो फाइनल ITI NCVT सर्टिफिकेट HSC ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग इशूड बाई द रेस्पेक्टिव बोर्ड एंड अथॉरिटी ट्रेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 25 अगस्त 2023 को 10 बजे से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 10 सितंबर 2023 रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट डिटेल्स विल बी इंटीमेटेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी /SMS। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसकी जो डेट है वो आपको अपने ईमेल आईडी और SMS के जरिए आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन एग्जाम डेट में कोई चेंजेस होता है और इस भर्ती के संबंध में कोई भी यदि सूचना आपको चाहिए तो आपको लगातार IUCL की वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। दोस्तों आप मेरे चैनल पे भी इसके बारे में यदि कोई नई अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत करवाता रहूँगा। आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें भी मैं इसके बारे में डिटेल्स देता रहता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं कि आप इसको ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरना है। दोस्तों हम आ गए IUCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो IUCL फॉर यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर IUCL का नीचे करियर का ऑप्शन दिया है उसके ऊपर आना है। उसके बाद में आपको नीचे अप्रेंटिसशिप दी है, अप्रेंटिसशिप के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन जो निकाला गया है उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो नोटिफिकेशन सब जो इंग्लिश में दिया हुआ है फिर हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई दिया हुआ है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर अपने जोन का सिलेक्ट करना है, नॉर्दर्न रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नॉर्दर्न रीजन सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप करना है। ये 25 अगस्त 2023 को इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों जो भी IUCL में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं जिनकी योग्यता ITI ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। इसमें पोस्ट है वो भी 490 रखी गई है, तो पोस्ट भी काफ़ी अच्छी संख्या में निकाली गई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।